हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ पपीता के पौधे के बारे में। पपीता का पौधा लगाने के लिए पहले आप मिट्टी को एक गड्ढा खोदिए और वहाँ पर गोबर की अच्छी सड़ी गली खाद या फिर आप केंचुए की जो तैयार की हुई खाद आप डाल सकते हैं। और खाद आप जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ किसी की भी गली भी ले सकते हैं और उसे मिट्टी में मिलाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। और उसके बाद में आप एक घर पर तैयार किया हुआ पौधा या फिर मार्केट से लाया हुआ पौधा ला सकते हैं और वह अपने घर आंगन के अंदर लगा सकते हैं और बहुत सी पपीताओं का स्वाद ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं पपीता के, यह पहले एक ही पौधा था लेकिन यह पहले टूट गया था। तो उस टूटी हुई जो पौधे था उसमें से दो पौधे निकले और इनमें अब फ्लावरिंग भी देखने को मिल रही है और काफ़ी छोटी छोटी सी पपीताएँ भी देखने को मिल रही है जैसा कि आपको दिख ही रही होंगी। और यह काफ़ी स्वस्थ है, हरा भरा और काफ़ी स्वस्थ है जैसा कि आप देख रहे होंगे। जैसा कि देखिए काफ़ी हरा भरा है और स्वस्थ है और इनमें पपीताएँ लगी हुई हैं। और मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी पपीता के पौधे के पास। देखिए हम आ गए हैं दूसरे पपीता के पौधे के पास में और उसमें भी काफ़ी अच्छी ढेर सारी छोटी छोटी सी पपीताएँ हैं जो लगी हुई हैं। और ये पपीताओं का स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। जैसा कि देखिए इनमें पपीताएँ पहले आ गई थी वो थोड़ी मोटी होने लगी हैं और उसके बाद में जो बाद में आई थी वो छोटी छोटी सी, और अभी इसमें फ्लावरिंग भी आई हुई है। तो आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से बहुत सी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी। और हम काफ़ी देखिए इधर भी मैंने लगाई हुई हैं पपीताएँ जिनमें भी आ रही हैं। देखिए इधर भी पपीताएँ आई हुई हैं और इधर भी आई हुई हैं। तो आप भी अपने घर आंगन के अंदर पपीता का पौधा लगाएं और काफ़ी ढेर सारी पपीताएँ खाइए और आनंद लीजिए। जो मार्केट से हम पपीता लेकर आते हैं वो दिखने में तो पीली होती हैं लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता है इतना मीठा। तो आप घर आंगन में लगाइए पौधे और उनमें शुद्ध स्वस्थ पपीताएँ जिनका आप स्वाद लीजिए। और मैं आपको लेकर चलता हूँ और हमारे दूसरे पौधे के पास में। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे दूसरे पौधे के पास में जिनमें भी काफ़ी ढेर सारी पपीताएँ लगी हुई हैं। और ये पपीताएँ जैसा कि आपको दिख रही होंगी काफ़ी सारी पपीताएँ लगी हुई हैं। तो आप भी अपने, और इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी देखने को मिल रही है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और आप भी अपने घर आंगन के अंदर पपीता का पौधा लगाएं और उनमें समय समय पर पानी देते रहें, जिससे कि आपको जैसे पता होना चाहिए कि यार पता होगा कि पपीता के पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां पानी भराव वाली स्थिति ना हो। तो और उसमें फ्लोरिंग के टाइम पे थोड़ा कम पानी दें और जैसे कि आपको लगे कि अब फ्लोरिंग में थोड़े फुट में चेंज होने लगे हैं तो आप पानी देना चालू रखें। 5-7 दिन में आप पानी देते रहें। जैसे कि आप अगर काली मिट्टी है तो उसमें कम ज़्यादा दिनों में पानी दें, और अगर आपके जैसे कि रेतीली मिट्टी है तो उसमें उसी प्रकार से कि आपका पौधा मुरझाए नहीं, ये ध्यान रखें। तो और उसके बाद में जो फ्लोरिंग होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होकर जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से काफ़ी सारी पपीताएँ लगी हुई हैं जो आपको इसमें दिख रही हैं। और आप आनंद लीजिए घर आंगन में लगाई हुई पपीताओं का जिनका स्वाद कुछ और ही होता है। और पेड़ कर पकी हुई पपीताएँ इसमें मज़ा आ जाए तो आप भी अपने आंगन के अंदर लगा सकते हैं। इनमें ज़्यादा कुछ मेहनत होती नहीं है, बस लगा दीजिए गोबर की खाद देकर और पानी समय समय पर देते रहें तो पपीता आएंगी और जैसा कि काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। तो आप भी लगाइए
और अगर इसी प्रकार के वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और आनंदित रहें, सुखी रहें।